फ्रेंड्स सबको जो है माला और हेयर बैंड पहना रहे हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि भारतवर्ष में प्रत्येक मई के महीने में दूसरे इतवार को ये मदर्स डे मनाया जाता है। और कविता है, देखिए, माँ का दर्जा आदिकाल से है अद्वितीय, माँ का दर्जा आदिकाल से है अद्वितीय, क्योंकि माँ से बढ़कर और कोई नहीं द्वितीय। माता की ममता का कैसे करें गुणगान, माता की ममता का कैसे करें गुणगान, जिनके सिर ज्ञान का कलश रखते स्वयं भगवान, जिनके सिर ज्ञान का कलश रखते स्वयं भगवान। बिना कहे जो पहचान ले बच्चों का दर्द, बिना कहे जो पहचान ले बच्चों का दर्द, माँ ही है दुनिया में ऐसी अकेली हम दर्द। और ये इतना में ध्यान में ये खुश है ध्यान में। छीतू फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कल धोया था और नौकरी खाती हूँ, थोड़ा सा हमने चेंज भी किया, अच्छा भी बहुत लग रहा था। ओके, यहाँ पे मैंने याला लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया एंट्रेंस में, ये मेरे फ्रेंड है और इसमें भी पौधे लगा दिए, वैसे ही रहता था ना यहाँ पे, इसमें पौधे लेते हैं ये। अब ये दोनों हाथ खाना चाहेंगे और बिल्कुल खाना चाहेंगे और बिल्कुल खाना चाहेंगे, खाते रहना चाहेंगे। अच्छा नहीं कर दिया, सोने का टाइम हो गया।
फिर हम लोग इसकी फ़ोटो खींच रहे थे, हमने ऐसे फूल लगाए यहाँ पे इसके सुंदर से, और ऐसे इतनी ज़्यादा हिल रही है, हिलने वाली बच्ची बन गई है आज है ये। इसका फेवरेट है स्माइली ड्रम, स्माइली ड्रम वाले भैया। तो फ्रेंड्स हो रही है मीठी के पासने की तैयारी, देखिए ये लोग लगा रहे हैं। ये यहाँ पे हम 56 वो बना रहे हैं, 56 प्लेट्स बना रहे हैं। 56 भोग लगाएंगे हम आज भगवान जी को भी और मीठी को भी, जो भगवान जी इसमें से नहीं खाते हैं चिप्स वगैरह वो भगवान जी को नहीं लगेंगे, हमें लगेंगे, बाकी ये कह रही हमें लगेंगे। तो ये सब यहाँ पे फूल हैं, जैसे ये शिव बाबा का पोस्टर है और इसमें चांदी का सिक्का है अगर ये नहीं जा पाए लेने तो। बाकी ये सारे इंतजाम मैंने पंडित जी के लगा रखा है, समझ से पूरा बिल्कुल मत करना भी है, हाँ ये सब पूरा कर लेंगे। और यहाँ पे मीठी खेल रही है, मिट्टू खेल रहा है। तो फ्रेंड्स पासणी की तैयारी पूरी हो चुकी है, ज़्यादा लोग हमारे आए नहीं हैं, बस एक श्यामली है, एक हेमा आई है, हेमा भी आ रही है और मीठी यहाँ सोई हुई है। श्यामली ने इसको सुला दिया तो ये सोई है ज़रा, ये अच्छा हो गया। और ये हम आपको दिखाती हैं, हमने सजाया है, ये हैं फूल, इसमें डाले हैं गुलाब के फूल, ये इसके बर्तन हैं ये, और ये इसकी फ्रॉक है, कच्छू है, इसके नामकरण के कपड़ों की फ्रॉक लाई है, हेमा सिलवा लाई इसको मैंने उससे बोला था। और ये फ्रेंड्स हमने देखिए, हमने इसके 56 खाने की चीज़ें रखी हैं, 56 लोग जिसे कहते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि करके क्या क्या है। पार्ले जी बिस्किट, चिप्स, फ्रूटी, ये पीने की चीज़ें हैं, मैगी, ये स्नैकर, डेरी मिल्क, टॉफ़ी, केक, ये पंचमेवा है, पूजा का सामान, ये तेल घी, पंडित जी का सामान है, इसमें चांदी का सिक्का है, फूल है, पानी, पिठियाँ, चावल, ये सब, ये फूल, ये शिव बाबा हैं और ये सारे फ्रूट्स हैं, ये इसके पापा लाए हैं इसके लिए। और ये है मासी, ये है पनीर की सब्ज़ी, दाल, इसमें चावल डालूँगी अभी, रायता, खीर, पोहे, पूरी, सब्जी, दही, मखाने, ये सैलड, मिठाई, किशमिश, फाइव स्टार आइसक्रीम, अखरोट, ये छेना टोस्ट, काजू, खजूर, और ये हमारी सेंटर की जलेबी है, ये वहाँ से आई है भोग में, तो बहुत अच्छा पिस्ता, और ये नारियल, ये है 56 वो, और ये देखिए, और ये इससे कुछ गिफ्ट्स हैं, ये है इसके कंघी क्योंकि बाल बना सकते हैं, अभी तकिया है, ये झुंझुना, और ये आई है लक्की, एक बच्ची आई है ना, और हेमा, और मैं भी लाइट बंद करके दिखा दूँ हाँ, मैंने बहुत सुंदर बनाया है ये, अच्छा लग रहा है ना, लाइट बंद करके बहुत सुंदर सा लग रहा है क्योंकि ये वाली लाइट्स है यहाँ पर, ये बारिश हो गई है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, मज़ेदार। तो ये जानवी भी और सिटी यहाँ है, और ये सिटी करके ये जानवी भी है, जानवी भी प्यारा बच्चा है, और अभी ये फ्रूटी है, ये देने के लिए हम बच्चों को बांटेंगे, यहाँ पर बाबा का है, प्यारा है,
और दीदी गेम खेल लिए देखो। क्या खाएगा मुन्नू आज, क्या खाएगा? पापा ने उतने बड़े बड़े फ्रूट्स ला के रख रखे हैं वो। तो फ्रेंड्स ये है रवानी, जिसको अभी बैठना आया नहीं है, खाएगी लेकिन। हम शुरू में ही कर दे रहे हैं क्योंकि अभी पाँचों महीना लगा ही है इसको, हम लोग जल्दी कर दे रहे हैं इसकी पासणी। और ये आई है योगिता, श्यामली फिर से आती है, हेमा और लक्की। ये पाठक जी, पाठक जी आपका कोरोना चल ही रहा है मतलब अभी। किसकी मिट्टी? मिट्टी रेडी हो गया, गई गई गुड गर्ल बनके। कुटाई करूंगी बहुत। अरे डांटना मत। अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं डांटा। इसकी मकर पापा की है, मकर की है इसकी, मकर है ना, मकर राशि इनका स्पोर्ट है। गुहार वाली वाली का पूरा काम करें, वैश्यमान से अन्न पा प्रार्थना तो मान कर से सब कुर्बान हो गए ना। डॉक्टर श्री लक्ष्मी नारायण यहां अच्छा है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बड़े इधर एक तरफ चतुर गुण पासान को धर्म को ज्ञान से बिना का स्थिति रहता है ज्ञान समर्थ नामी है ना पीला रंग। हाँ आप भी आ सकते बेटा अंदर। ओम तन्नो देवी वासुदेवी भार्गव ऋषि अष्टचंद्र वाग देवता भूमि नियोगः वाजायदं नमः। लक्ष्मी अन्न को खाना खाने का ना चाहो ओ प्राण नमसि स्वाहा इदं प्राणाय नमः। फिर चार बार कर दूसरा भी ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा सब डालना है, जो भी खिलाओगे ना नहीं खाली है वो तो खाली है वो अभी। अन्न प्राशनम अन्न पते अन्नस्यनो देयनाः कालो 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 मिट्टी कालो अल्ले वा सही खाली धनिया नहीं आना उसमें, ऐसे नहीं खिलाना है, खाली छुआ दे उसको बस। अन्नम पते अन्नस्यनो देयनाः बस 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 हो गया, दे दे चार। चलो
तुम दोनों आ जाओ, पहले खाना दो, हल्का सा छुआ दो चम्मच, खाली टच कर लो चम्मच को, बस बस। अरे नहीं खिलाना थोड़ा, खाली पानी पिला दो, थोड़ा सा खाली टच करा दो। मामी का लगता शांति तो फ्रेंड्स अब मीठी उठाएगी, देखो क्या उठाती है मिच्चू। अरे ऐसे दो पेंसिल उठाएगी, नहीं खिलौने कॉपी। देखो मिच्चू लड़की, आपको सुनाया थोड़ी। 1, 2 and 3 क्या चीज है भैया, ये चल गया ढुलुम ढुलुम चल गया, ये ढुलुम नींद में भी है और अभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है बाबू को। हाँ चलो, कलम की ताकत है, कलम की ताकत है। इसको वैसे खाना था, खाने की चीज होती तो। हाँ इसको खाने की चीजें फेवरेट है। सो गई बेटा, सो गई वो, इसको नींद आई, फ्रेंड्स सो गई रही है। ठीक है, फ्रेंड्स पासणी बहुत अच्छे से निपट गई और पढ़ी चले गए पाठक जी। और रूहानी दिखाती हूँ, रूहानी को बहुत नींद आ रही थी, वो सो गई है। ये रूहानी सो गई है, ये सारी चीज़ें हैं, ये पाठक जी ने मंदिर बना दिया था छोटा सा हमारा, और ये हमारा हवन कुंड था जो जल रहा था, तो हमने ऐसा करके बहुत बढ़िया से करा पाठक जी ने। और ये इसका चांदी का गिलास और चम्मच है, और ये हमारा दिया इधर रखा हुआ है, और सब लोग खा रहे हैं, ये सब लोग खा रहे हैं यहाँ पे, और बच्चे वहाँ खा रहे हैं, और ये लोग ये खा रहे हैं। इन लोगों ने कुछ भी नहीं लिया है, पता नहीं क्या खा रहे हैं। ऐसे खीर खाओगे? खीर भी नहीं खाते तुम लोग? आइसक्रीम ले लेना फिर, हाँ बच्ची भी है लेकिन फिर क्या करोगे अभी। फ्रेंड्स हम लोग कुछ फ़ोटो खींचेंगे क्योंकि फ़ोटो जल्दीबाजी में खींच नहीं पाई, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे करा, क्योंकि रूहानी सोई है, क्या ही फ़ोटो खींचते हैं। नींद आती सुबह, आज मदर्स डे, आज मदर्स डे भी है, बहुत अच्छे दिन इसकी बात नहीं हुई है, मदर्स डे के दिन हमेशा याद रहेगा। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और इसको शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और बहुत सारे आशीर्वाद दीजिए इसको, बहुत सारे आशीर्वाद दीजिएगा। और अभी हम शाम को नर्सरी जाएंगे, वहाँ पे सब ये सब बांट देंगे सबको, ये सारा सामान ये सब बच्चों में बांट देंगे, और फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यूट्यूब हो जाएगा हमारा।
ये। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पासिंग का ब्लॉग इंजॉय किया होगा। आज मदर्स डे भी है, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। जब तक ये आपके पास आएगी वीडियो तो मदर्स डे हो चुका होगा, क्योंकि बेटे के मेरे पेपर हो रहे हैं, वो तुरंत के तुरंत नहीं पोस्ट कर, मतलब एडिटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन जैसे भी हो रहा है आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और काफ़ी हैप्पी था आज का दिन, क्योंकि बच्चे की पासिंग नहीं थी, फिर मदर्स डे था सवेरे उधर। और इसमें फ्रेंड्स सो गई है पासिनी के समय, और फिर इसने पूरे में सोई रही। तो मैं देख रहे थे हम लोग, इसने कुछ मतलब क्योंकि उठाएगी कैसे, बच्चा सोया है, तो हमने जैसे थोड़ा थोड़ा उठाया, पर ये नहीं कर पा रही थी, सोए नींद में थी एकदम। तो बल्कि एक आंटी कैसा भी कह रही थी उसके पास सब कुछ है ना, तो वो कह रही है मुझे कुछ नहीं चाहिए संतो आत्मा है उसे कुछ भी नहीं चाहिए, सब है उसके पास। मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके पास सब कुछ है, उसने किसी भी चीज़ को कोई महत्व नहीं दिया। जो भी चीज़ें हैं हमारे साथ रहना उसे अच्छा लगता है, तो हमें भी इसके साथ रहना अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था आज बीची का पासणी, हमने थोड़ा अलग ढंग से करी। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, हमने पूरी कोशिश करी कुछ क्रिएटिव करने की। और आप लोग सभी इसको अपना आशीर्वाद दीजिए, एक बहुत अच्छी व्यक्ति बने, एक अपने समाज के लिए अच्छी बने, अपने देश के लिए अच्छी बने, अपने घर वालों के लिए अच्छी बने, और खुद के लिए भी बहुत अच्छी व्यक्ति बने, जो खुश रहे, खुश रखे, है ना। तो हम सभी अपने बच्चों से यही कामना करते हैं, बाकी तो उनकी डेस्टिनी है, उन्हें कहाँ ले जाती है, कैसा बनाती है, कोशिश सभी माँ बाप यही करते हैं। और इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएँ, और बाय बाय।